बिना पैराशूट के तुम शेयर बाजार में इतनी बड़ी उड़ान कैसे भरोगे? जवाब, मैं इंडिया का पहला बिलियनर बन के दिखाऊंगा। यही है अभिषेक बच्चन की नई फिल्म बिग बुल की कहानी, जहां पर एक्टर हर्षद मेहता का किरदार निभाने जा रहे हैं। मेकर्स की तरफ से फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है और इसका सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। बिग बुल का ट्रेलर ट्रेंड सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि काफी शानदार है, या ये कह लीजिए कि अभिषेक ने हर्षद मेहता के रोल में गदर मचा दिया है। वेल दोस्तों, असल में ट्रेलर के साथ तुलना वाला दौर शुरू हो गया है। अभिषेक को लगातार प्रतीक गांधी की एक्टिंग वाले तराजू पर तोला जा रहा है। स्कैम 1992 में प्रतीक के शानदार काम के बाद अभिषेक बच्चन का फिर वही रोल प्ले करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में दोस्तों, ट्रेलर में मेकर्स की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि अभिषेक को कुछ लीक से हटकर दिखाया जाए, कहानी में कुछ नया ऑफर किया जाए। अब ट्रेलर देख के कहा जा रहा है कि मेकर्स इस काम में सब कुछ खासा इंप्रेस करते नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर्षद मेहता की कहानी तो पूरी दुनिया को मालूम चल ही चुकी है। ऐसे में बिग बॉस तो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिंग डिपार्टमेंट की वजह से कुछ कमाल कर सकती है। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अभिषेक बच्चन को कोई इस रोल में फिट मान रहा है तो कई ऐसे सभी सामने आ रहे हैं जो सिर्फ प्रतीक गांधी को ही इस किरदार के लिए परफेक्ट समझ रहे हैं। ऐसे तुलना होना हैरान नहीं करता है। हंसल मेहता ने स्कैम 1992 बना देश को एक सुपरहिट वेब सीरीज दे दी थी, जिस कहानी को उन्होंने 10 एपिसोड में पिरोया था। अब बिग बुल के जरिए उसे कुछ घंटे में बताने की तैयारी है। ऐसे में डिटेलिंग भी कम देखने को मिलेगी और कहानी भी कम बांध पाएगी। वैसे बिग बुल के मेकर्स ने अभिषेक को दमदार डायलॉग्स देने का काम जरूर दिया है। स्कैम 1992 जैसे तो नहीं, लेकिन फिर भी फिल्म की कहानी के लिहाज से वो पसंद आ सकते हैं। वो डायलॉग्स है, मैं सिर्फ तब पीऊंगा जब बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी। इंडिया का पहला बिलियनर मैं बनूंगा। आपका शेयर इतिहास बनेगा। अभिषेक बच्चन के अलावा फिल्म में इलियाना को भी बड़ा रोल दिया गया। वो पत्रकार सुचिता दलाल का रोल प्ले कर रही जा रही हैं, जिनकी वजह से शेयर बाजार का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ पाया था। ट्रेलर में उनके किरदार के बारे में ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। ऐसे में उनको लेकर ज्यादा बस नहीं दिखाई दे रहा है। बिग बॉल में राम कपूर और सौरभ शुक्ला भी सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले हैं। कोकी गुलाटी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? बिग बॉल का ये ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।